अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शनवारी कीमा कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और कीमा कढ़ाई तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल उसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे जब ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे तकरीबन तीन से चार अदद प्याज ली थी इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया तो बस इसको मैं फ़्राई कर रही हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए बस इतना ही फ्राई करना है अच्छा मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था तकरीबन थ्री टू फोर टेबल स्पून ऐड किया है और ये प्याज़ हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट वन टेबल स्पून के बराबर और इसको हल्का सा भून लेंगे हम अच्छी तरीके से भुन जाए खुशबू आने लगे तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा कीमा मैंने लिया है सेवन हंड्रेड ग्राम और मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ इस रेसिपी को आप बीफ या फिर मटन में भी बना सकते हैं यह आपकी अपनी चॉइस है मैं चिकन के साथ बना रही हूँ और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से कीमे का कलर अच्छे से व्हाइट हो जाए इतना हमने इसको क्या कहते हैं भूनना है ये देखिए और कीमे को मैं साथ साथ तोड़े जा रही हूँ क्योंकि ये जुड़ जाता है आपस में इसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे तो चार अदद टमाटर लिए हैं मैंने और वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं चॉप करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए जब तक ये इसका टमाटर का पानी अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता तो देखिए इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था टमाटरों का पानी भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है और टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं तो इसको हल्का सा हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ में टमाटरों को तोड़ रही हूँ अच्छा मैंने कट करके टमाटर डाले थे उससे क्या होता है थोड़ा जल्दी पक जाता है टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट होता है हर अच्छी तरीके से टमाटर को तोड़ लें और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च वन है हाफ़ टी स्पून और साथ साथ रेड चिली पाउडर भी है वन टी स्पून के बराबर ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हल्दी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून इसके साथ ब्लैक पेपर वन टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे वन टी स्पून के बराबर सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे तब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे दस मिनट के लिए पकने के लिए कि अच्छे से पक जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए तो देखिए दस मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और इसका ऑयल जो है अच्छे से ऊपर आ गया है देखिए आपको नज़र आ रहा होगा बहुत मज़ेदार सा कीमा हमारा तैयार हो जाता है तो देखिए ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जब भी इसका मज़ा आता है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भुना हुआ कीमा होना चाहिए ये और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक तो अदरक को मैंने जूलियन कट कर लिया था तो अदरक मैंने ऐड कर दी है वन टेबल स्पून के बराबर और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें पाँच से अदद इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ वन टेबल स्पून के बराबर इसमें मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी वन टेबल स्पून के बराबर और इसको हम दोबारा से मज़ीद भून लेंगे अच्छी तरीके से एक से दो मिनट ही तक ही भूनेंगे इसको ज़्यादा नहीं भूनना है और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी वन फोर्थ कप के कप बराबर और फिर इसको हम रख देंगे दम पे कवर करके ताकि अच्छा सा जो इसका अरोमा है इसके अंदर आ जाए जो भी अभी हमने मसाले डाले हैं इसके अंदर और अगर मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी तो ये जल जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी है फिर इसको दस मिनट तक हम पकाएँगे ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाए अच्छे से तो देखिए दस मिनट हो गए इसको मैंने दम पे रख दिया था और इसका ऑयल देखें दोबारा से ऊपर आ गया है और मज़ेदार सा हमारा शनवारी कड़ाई कीमा रेडी है तो इसको आ, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा लास्ट में बस मैं इसको गार्निश कर रही हूँ अदरक के साथ और हरे धनिया के साथ इसको गार्निश करूँगी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है आप इसको जिस चीज़ के साथ गार्निश करना चाहें कर सकते हैं और ये मज़ेदार बनता है इसको आप नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं वो कड़क वाले पराठे होते हैं उसके साथ इंजॉय करें बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कीमा सो so, व्यवर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट ज़रूर किया करें शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो मुझे अपनी दुआओ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़